अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंफॉर्मेशन अदार में खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता कुछ अरसे से पाबंदियां और मुख्तलिफ किस्म की FIR दर्ज की जा रही हैं और अभी तक इनका सिलसिला जारी है। दोस्तों, गुज़श्ता दिन वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक लबैक पाकिस्तान पर एक बार फिर इल्ज़ाम लगाना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। दोस्तों, इसी हवाले से आपको बताते चलें कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर मुफ्ती कासिम फखरी ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर नए दिन तहरीक लबैक पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के हवाले से बड़ा बयान जारी किया है। उनका कहना था कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा खत्म किया जाए। तहरीक लबैक पाकिस्तान सियासी और मजहबी जमात है जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर है। PLP के पार्लिमानी लीडर मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी का मजीद कहना था कि किसी भी सियासी जमात पर कोई भी हुकूमत पाबंदी नहीं लगा सकती। सियासी जमात पर पाबंदी की सिफारिश इलेक्शन कमीशन ही करता है और पाबंदी की हतमी मंजूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देता है।